सुल्तानपुर में एक बार फिर हैवानों पर न्याय की गाजगिरी है। कोर्ट ने आखिरकार रेप और छेड़छाड़ करने वाले गुनहगारों को ऐसी सजा दी है जिसे सुनने के बाद गुनहगारों की आने वाली नस्लें भी कभी गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेंगी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर में कुड़वार थाना क्षेत्र के भड़रा गांव में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की को अकेला पाकर पहले तो अगवा किया गया, फिर उसकी असमत को तार तार किया गया। ये मामला 28 मार्च 2009 का है, जहां आरोपी साईलाल कोरी और नौगवा तीर के रहने वाले आरोपी शिवदर्शन पर मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की थी तो दोनों आरोपियों ने अपने जुर्म का इकबाल भी किया था और उस खौफनाक वारदात की सारी कहानी खोल कर रख दी थी। इसके बाद ये मामला अदालत में पहुंच गया और आखिरकार दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद FTC जज कल्पराज सिंह की अदालत ने आरोपी शिवदर्शन को अगवा करने के आरोप में और मुख्य आरोपी साईलाल कोरी को किडनैपिंग और दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया। अदालत ने रेप के आरोपी साईलाल को 7 साल की सजा और अगवा करने वाले दोषी शिवदर्शन को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन दोनों को अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। वहीं सुल्तानपुर के ही दूसरे मामले में दोस्तपुर कस्बे के रहने वाले निक्की उर्फ नितेश सोनकर को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने 5 साल के कारावास और 12,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें 31 अक्टूबर 2019 को आरोपी निक्की पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिलहाल इन सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। ये खबर हमारे संवाददाता अंकुश यादव ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप YouTube पर इस खबर से रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।